हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे शाम के 6:30 और आज मैं काम पे था तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था दिन को। तो मैं सोचे कि शाम को बनाते, तो आज मैं अपने गांव का जो ऊंचा पहाड़ है वहाँ पे, और यहाँ से जो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पहाड़ों का सीन, जो कि थोड़े बहुत हरे भरे हो चुके हैं, और बाकी यहाँ से ऊपर से मेरा गाँव भी दिखाई देता है और आसपास के जो भी गाँव है वो दिखाई देते हैं, तो वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। ऊपर चलते पहाड़ पे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये एकदम नीचे से जो है प्याज की तरह, ऊपर से भी प्याज की तरह, तो ये अंदर से वाइट निकलता है लेकिन बदबू आती है और अलग टाइप से निकलता है। उसको हम यहाँ पे प्याज बोलते थे लेकिन ये ऐसे प्याज के टाइप में खा नहीं सकते, बाकी नीचे से पूरा प्याज की टाइप में निकलता है ये। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जो देख रहे हैं नीचे मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे तालाब से, और ये यहाँ पे ये अपना तालाब जो कि थोड़े दिनों में शायद बारिश आएगी तो भर जाएगा। ये जो पानी देख रहे हैं ये तो पहले से भरा हुआ था। ये पकड़ रहे अभी मछली आई या नहीं है पता नहीं, अभी तो जाल बिछा रखी है। तो अभी जो है चलते चलते पहुंच चुका ऊपर, और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं डायरी है, जिसको अभी डायरे लगेंगे तो फ्रूट की टाइप में इसको खा सकते हैं, छोटे छोटे से लगे के बिल्कुल। तो ये भी अभी हरा भरा होने लग गया, बिल्कुल सूखा हुआ था गर्मियों के दिनों में, बिल्कुल सूखा हुआ था। जैसे ही बारिश आई तो ये अभी ग्रीन ग्रीन होने लगा, और ये पहाड़ों पे भी थोड़ी बहुत ग्रीनरी आने लगी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों पे जो है ग्रीनरी होने लगी है, मतलब पौधे उगने लगे, छोटे छोटे झाड़ियाँ। बाकी जो बकरी है, जानवर है, उनके खाने के लिए चारा हो जाएगा। पहले बिल्कुल सूखे हुए थे भी तो मतलब खा सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों तरफ हमारे गांव दिखाई दे रहे हैं, ये चारों तरफ जो भी है, और इस तरफ पीछे हमारा गांव है जो कि थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर दिखाई देगा, और बाकी इस तरफ हमारी पंचायत और स्कूल है, और इस तरफ सारे गाँव आसपास में। और ये जो देख रहे हैं ये है मेरा गांव, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंड में, ये यहाँ से शुरू होता है और ये धीरे धीरे इधर पूरा ये अपना गांव है। आधा तो दिखाई नहीं दे रहा, आधा दिखाई दे रहा है, बाकी ये देख सकते हैं ये यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क, और वो आगे जियो का और एयरटेल का दो नेटवर्क है, और ये पूरा गाँव अपना ही है। ये लास्ट मकान जो है यहाँ पर अपने गाँव का, जो ये ब्लू कलर में देख रहे हैं वो लास्ट इधर का, और बाकी वापस उधर लास्ट में वो वाइट कलर में दिख रहा है वहाँ पे, और बाकी ये पूरा अपना गांव है, और मेरा घर यहाँ पे है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रही ब्लैक टंकी, इसके आगे है मेरा घर। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको अपने गांव के बारे में लगातार बताता रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, तो आज कैसा गांव और पिछले साल आने वाले कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं, कैसा क्या बदलते रहते, चेंज होते रहते, तो इसलिए मैं आपको आज के समय में जो है ये दिखाता हूँ, इसलिए कि अपन 20 साल बाद या 10 साल बाद देख के तो महसूस कर पाए कि हमारा गाँव पहले ऐसा था, इसलिए मेरा मकसद यही है। और बाकी जो भी अपने गांव से थोड़ा बहुत जो भी रिलेटेड होगी मैं आपको बताता रहूँगा, और अपनी लाइफ से भी जो रिलेटेड है चीज़ें वो आपको बताता रहूँगा। तो अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं, बस आज के लिए इतना ही छोटा सा व्लॉग, बाकी छोटे छोटे व्लॉग बनाता रहूँगा क्योंकि अभी काम पे जा रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा इतना मेरे को, तो इसलिए छोटे छोटे व्लॉग बनाएंगे। और बाकी व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, और शेयर एंड लाइक करें। बाकी मिलते हैं फिर से ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में।